गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चिकनगुनिया तक के बातों को कंप्लीट किया था। वायरस में अभी और भी कुछ डिजीज बचे हुए हैं जिसमें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है तो वो है डेंगू। डेंगू बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल डेंगू और चिकनगुनिया अकेले जो है वह हजारों पेशेंट को अफेक्टेड कर देता है। खास करके दिल्ली वगैरह में या नॉर्थ साइड में बहुत ज्यादा इसका रोल देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग को आज देखना है डेंगू। डेंगू का जो पैथोजेन है यानी कि इस वायरस की वजह से डेंगू होता है, तो डेंगू जो है वह फ्लैगी रिवो वायरस की वजह से होता है। डेंगू को हम लोग ब्रेक बोन डिजीज भी कहते हैं या ब्रेक बोन फीवर। यानी ब्रेक बोन फीवर का मतलब हुआ कि हड्डी को तोड़ने वाला फीवर, इतना ज्यादा ये होता है वह हड्डी को तोड़ने के जैसा काम करता है, इतना तेज दर्द होता है। अब देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 days, ठीक है। ओ सॉरी, ये फ्लैवी रिवो वायरस है। 3 to 8 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और इसका ट्रांसमिशन, तो जैसे चिकनगुनिया में आपने देखा था एडीज एगिप्टी मच्छर के वजह से, उसी तरह यह सेम टू सेम बाइट ऑफ एडीज एगिप्टी मॉस्किटो। डेंगू के जो मॉस्किटो हैं खास करके ये क्लीन वाटर में सरवाइव करते हैं, यानी क्लीन वाटर में अपना एग देंगे और साथ ही साथ ये दिन में ही काटेंगे। दे लेज देयर एग इन क्लीन वाटर एंड बाइट ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन के समय में ही अब पेशेंट को यानी पर्सन को काटते हैं, तो डेंगू का कहा जाता है कि डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं। गुड नाइट वगैरह का एडवर्टाइजमेंट आया था तो किसके लिए, तो वह डेंगू के लिए बोलता था कि डेंगू के मच्छर दिन में ही काटते हैं। मलेरिया के लिए अगर रात में गुड नाइट लगा रहे हैं तो डेंगू के लिए दिन में भी लगाइए। तो इससे दोनों फायदा था, एक तो आप गुड नाइट लिक्विड जितना ज्यादा चलाएंगे तो कंपनी को फायदा, तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी हुआ और आपको एक साइंस की बात को भी समझा गया सिंपल लैंग्वेज में कि डेंगू के मॉस्किटो जो है वह कब, तो दिन में ये काटते हैं। तो दोनों चीज हुआ। डेंगू का जो डेंगू फीवर जो है वह टू टाइप्स के डेंगू फीवर होते हैं, ओके। एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर और दूसरा हेमोरेजिक डेंगू क्लासिकल डेंगू फीवर एंड हेमोरेजिक डेंगू फीवर। देखो क्लासिकल डेंगू फीवर का क्या सिम्टम्स हैं, तो क्लासिकल डेंगू फीवर में फीवर होगा, हेड का सामने वाला पोर्शन यानी फ्रंटल ऑफ हेड में पेन होगा, आई में पेन होगा जिसकी वजह से आई के मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी,
वोमिटिंग आएगा, बॉडी पेन होगा, ये सारा चीज जो है वो सिम्टम्स है किसके, क्लासिकल डेंगू फीवर के। अब आप सोचते हैं कि हेमोरेजिक डेंगू फीवर का क्या है, हेमोरेजिक डेंगू फीवर का सारा चीज सिमिलर होता है, बस उसमें ब्लीडिंग जो है वह नोज से या माउथ से या गम से आने लगते हैं, साथ ही साथ स्टमक पेन होता है। तो ये सारा चीज जो है वह इसमें अलग हो जाता है। तो पहले इसके सिम्टम्स को देखें, तो फीवर, ज्वाइंट पेन, फ्रंटल हेडेक, आई मसल्स पेन, क्रिएट प्रॉब्लम इन मूवमेंट ऑफ आई, नॉजिया और साथ ही साथ वोमिटिंग। तो ये सारा चीज जो है वह इसमें क्लासिकल डेंगू फीवर में है। हेमोरेजिक डेंगू फीवर की अगर बात करेंगे तो सिमिलर टू क्लासिकल डेंगू फीवर, यानी इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर, एक्सेप्ट ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, नोज, गम या कभी कभी स्किन से भी आता है, स्टमक पेन, स्टमक में पेन होगा एंड फ्रीक्वेंट वोमिटिंग। फ्रीक्वेंट वोमिटिंग भी होगा डेंगू फीवर में। तो ट्रांसमिशन देख लिया, उसके बाद देखो इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो पहले तो जान जाइए कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है डेंगू फीवर का, नो वैक्सीन एंड नो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी जैसी इम्यूनिटी, जिसमें जैसा सिम्टम्स, उसके हिसाब से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले तो ये सारी बातों को थोड़ा सा आपको समझ में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके वजह से अब साथ ही साथ ट्रीटमेंट में ही एक चीज समझ लो कि जो एडिडा गिफ्टी का जो एड है उसको जो है वह एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेशन ऑफ एड ऑफ एडिज एगिफ्टी। तो क्लीन वाटर को कहीं पे एक जगह जमा भी मत होने दीजिए, और साथ ही साथ जो एग है इसका उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए अपने आसपास के एरिया से। तो यही इसका जो है वो मेन रोकथाम में से एक है। तो ये डेंगू फीवर हम लोग ने देखा, डेंगू फीवर के साथ साथ में आप लोग देखेंगे, डेंगू फीवर हमारा कंप्लीट हुआ। पैथोजिन का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, यू मस्ट रिमेम्बर दिस पैथोजन नेम। और इसके टाइप ज्यादातर पूछ देता है क्लासिकल और हेमोरेजिक डेंगू फीवर।
हाई फीवर होने से हमारा डब्ल्यूबीसी भी मरता है, तो यह एक हेमोरेज का निशानी हुआ। और एक बात के लिए यहां पर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, तो हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और हेपेटाइटिस को हम लोग क्या कहते हैं, तो हेपेटाइटिस को हमारे कॉल जॉन्डिस। हेपेटाइटिस कॉमनली कॉल्ड जॉन्डिस, कॉमनली कॉल्ड जॉन्डिस। ओके, अब देखो स्टार्टिंग में एक्चुअली यह लीवर से रिलेटेड इंफेक्शन है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो लीवर होगा वह इनलार्ज हो जाता है, और देन आफ्टर जो लीवर होगा वह साइज अपना छोटा करेगा, येलोइश या ग्रीनिश कलर का दिखाई देगा जब ये ज्यादा हो जाएगा तो, यानी लैटर स्टेज में। इन अर्ली स्टेज लीवर बिकम्स इनलार्ज एंड लैटर स्टेज, यानी कि जब पहले तो लीवर इनलार्ज होगा और बाद में लीवर क्या हो जाएगा तो ग्रीनिश कलर का भी होगा, और साथ ही साथ थोड़ा अपना जो साइज है वह स्मॉलर कर लेगा, स्मॉलर येलोइश और ग्रीनिश हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में जो हेपेटाइटिस है वो सिक्स टाइप्स के हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। तो सिक्स टाइप्स के हेपेटाइटिस को हम लोग अभी यहां पर देखेंगे, सबको हम लोग कॉलम के हिसाब से चलेंगे, उन चीज का क्या फीचर्स होगा। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। तो ए बी सी डी ई ये फाइव टाइप्स के क्या है, हेपेटाइटिस है, ठीक है। और किसका क्या क्या फीचर्स हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए तो वायरस किसमें कौन कौन सा वायरस का नाम होता है, यानी नेम ऑफ वायरस, कौन कौन से वायरस हैं इसमें, तो इसके वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी पूरा नाम एक में लिखते हैं बाकी में आप समझिएगा, हेपेटाइटिस ए वायरस। दूसरे में क्या होगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। तीसरे का नाम, दूसरे का नाम हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो तीसरे का नाम हेपेटाइटिस सी वायरस,
हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस, ये अलग अलग वायरस का नाम हुआ। तो हेपेटाइटिस ए में कौन सा वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी में हेपेटाइटिस डी वायरस, इस तरह से नाम पड़ गया। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड इन कौन से वायरस में कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, हेपेटाइटिस ए में या आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस डी आरएनए वायरस और आरएनए वायरस। देखो इतना ध्यान रखो कि सिर्फ बी में डीएनए है, बाकी सब में आरएनए है। और मोलेकुलर में आपको बताएंगे कि जो मोस्ट अकरिंग फॉर्म ऑफ डीएनए होता है वो बी फॉर्म का होता है, मोलेकुलर की बात है, वहां पे हम लोग देखेंगे। तो नेचुरल फॉर्म में कौन सा डीएनए मिलता है, बी फॉर्म का, यानी डीएनए का भी टाइप होता है ए बी सी डी। तो याद रखो कि हेपेटाइटिस में नेचुरल फॉर्म का डीएनए होता है, तो बी व हेपेटाइटिस में डीएनए, बाकी सब में आरएनए वायरस होता है। तो ये इस तरह से इसका ये क्लास बट गया। अब देखो इसका नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड यानी सबका इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा वह अलग अलग हो जाएगा, सबका एक जैसा नहीं है क्योंकि टाइप ही अलग अलग है, ठीक है। तो सब में अलग अलग देखेंगे हम लोग, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस ए का वह जो होगा वह ये 6 to 22 वीक, ये 22 वीक से 6 मंथ तक का होगा, ये भी 6 to 22 वीक का रहता है, और ये 6 to 22 से सबका अलग अलग, तो एक में 6 से 22 वीक, फिर उसके बाद 22 वीक से 6 मंथ, और ये दोनों का एक का 6 to इसका 6 to 26 वीक, इसका अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में अब इसका ट्रांसमिशन कि कैसे कैसे यह ट्रांसमिशन होता है। तो देखो ट्रांसमिशन जो है ये जो है वह फिकल एंड ओरल है, जबकि ये जो है ब्लड के थ्रू, नीडल के थ्रू, प्लासेंटा से यानी इन्फेक्टेड ब्लड से, इन्फेक्टेड नीडल से, प्लासेंटा से, ये सारे या पैरेंटेरल से भी यह होता है। तो कहने का मतलब ये इतने सारे चीजों से जा सकता है, इवन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, जैसे एचआईवी एड्स है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी यह होता है, यह भी पैरेंटेरल और ब्लड से, यह भी ब्लड से, और यह पैरेंटेरल और ब्लड से। पैरेंटेरल कहने का मतलब यहां पर हुआ जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, दैट मीन्स कि वहां यहां पर से ये पैरेंटेरल का हो गया। तो ये इस तरह से हमारा हुआ ट्रांसमिशन। अब किसका किसका वैक्सीन है, तो जिसका जिसका वैक्सीन है उसमें देखेंगे हम लोग, और जिसका वैक्सीन नहीं है उसको देखेंगे हम लोग।
तो याद रखो सी और ई का वैक्सीन नहीं होता है, बाकी सबके वैक्सीन होते हैं। किसका किसका हम कह रहे हैं, तो सी का और ई का, ये दोनों का वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन है किसका, इसका, इसका और इसका। इसके वैक्सीन का नाम है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। इसके वैक्सीन का नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन, और इसके वैक्सीन का नाम है हेपेटाइटिस डी वैक्सीन। तो ये पूरा का पूरा जो टेबल फॉर्म हुआ ये किसका, तो ये हेपेटाइटिस के लिए। इतने सारे आपको बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये कैसे कैसे क्या क्या, जिसमें से आपको इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जो है बी बहुत कॉमन है, तो बी को ध्यान में रखना है क्योंकि एक अकेला या डीएनए से भी है। अगर इसमें पूछने का अगर सवाल रहेगा सबसे ज्यादा, तो वो आपसे ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पूछ सकता है कि किसमें कौन कौन सा, तो ये मतलब वायरस जो है कौन कौन सा वायरस है, तो कौन आरएनए वायरस, कौन डीएनए वायरस, ये थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसके बाद में देखो ये दो से छह इसका अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में कंफर्म करता हूं, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 22 वीक, 22 वीक से 6 मंथ, 2 से 2 to 26 वीक इसका और इसका सेम है, और इसका 2 to 6 वीक। आई थिंक इसका भी लगभग 2 से 22 वीक तक रहता है। तो इतना जो है वो आपको इसमें ध्यान में रख के चलना है। तो ये जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ कौन, तो हेपेटाइटिस का। नेक्स्ट अब हम लोगों को एक देखना है माइकोप्लाज्मा से डिजीज, यानी कि माइकोप्लाज्मल डिजीज। बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ एक इसमें जानना है। माइकोप्लाज्मा तो आप जानते हो कि जो या एक सेल वॉल लेस बैक्टीरिया के जैसा प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी वॉल लेस प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इससे जो होने वाला डिजीज है, इसका एक टिपिकल पैथोजेन है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मिक निमोनिया, ठीक है। निमोनिया नहीं, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, वहां पर हम लोग देखेंगे। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, और निमोनिया जो है वह हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है या माइकोप्लाज्मा निमोनिया से होता है, तो वो अलग चीज है, ये उसी से रिलेटेड है, उसके जैसा ही है, ठीक है। तो ए टिपिकल पैथोजेन तो माइकोप्लाज्मिक निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनी तो यह पैथोजेन हुआ, और यह ट्रांसमिशन कैसे होगा इस पैथोजेन का, तो नेजोफेरिंजियल जो सेक्रेशन होता है उसका ड्रॉपलेट सामने वाला पर्सन इनहेल कर लेगा यानी ले लेगा, तो उसके थ्रू हो जाएगा। इन्हेलेशन ऑफ नेजोफेरिंजियल
नेजोफेरिंजियल सेक्रेशन। तो नेजोफेरिंजियल सेक्रेशन को जब इनहेल करते हैं तो उसके वजह से ये क्या है, बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, यानी ड्रॉपलेट है वो, तो ड्रॉपलेट ऑफ नेजोफेरिंजियल सेक्रेशन का। सिम्टम्स क्या है, तो स्कार्सिटी ऑफ रिस्पिरेशन दिखाई देगा, या फिर क्या है तो लो फीवर भी हो सकता है, कफ, हेडेक, ये सब इसका सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स में कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, और ब्रीदिंग ट्रबल हो सकता है, यानी ट्रबल इन ब्रीदिंग, और इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से करते हैं, टेट्रासाइक्लिन से। ओके, तो इस तरह से इसका हम लोग कराते हैं। तो माइक्रो प्लाज्मा में हमें और कुछ नहीं देखना है, बस इतना एक एग्जांपल के रूप में आप हमने देख लिया। अब हमारा जो मेन डिजीज है वो है बैक्टीरियल डिजीज। कौन सा, तो बैक्टीरियल डिजीज को देखना है, फोकस करना है। ओके, तो नेक्स्ट तरफ हमारा हेडिंग आइए, नेक्स्ट ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज। देखिए बैक्टीरियल डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरिया से होने वाले ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइफाइड को। टाइफाइड जो हमारा डिजीज है उसके पैथोजेन है साल्मोनेला टाइफी। मैरी मैलोन करके एक लेडी थी, मैरी मैलोन करके एक लेडी थी जो कि बाय प्रोफेशन वो कुक थी, खाना बनाती थी, और वो काफी दिन से टाइफाइड से सफर थी, और वो अकेले बहुत सारे लोगों को टाइफाइड जो है वो दे दी। कैसे, तो उनको पता काफी दिन के बाद उनमें सिम्टम्स आया, लेकिन वो उस डिजीज से सफर कर रही थी, और जितने दिन तक खाना बना के लोगों को दी तब तक बहुत सारे लोगों में यह टाइफाइड जो है वो स्प्रेड करता रहा। तो मैरी मैलोन का नाम यहाँ पर जरूर आता है, किसमें, तो टाइफाइड में, और शिवाजी कुक, तो यानी वो खाना बनाने वाली थी, तो इसीलिए तो टाइफाइड का पैथोजेन साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफाइड को हम लोग इंटेरी फीवर भी कहते हैं, फीवर। अब मैरी मैलोन स्प्रेड टाइफाइड टू वेरियस पर्सन थ्रू देयर फूड। क्योंकि यह कुक थी, खाना बनाने वाली थी, और जितने जितने लोगों को खाना बना के देती थी उतने लोगों को या क्या होता था टाइफाइड जो देयर फूड। उसके बाद में इसका हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 1-3 डेज का होता है, और यह ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, तो फीकल एंड
ओरल रूट है। ठीक, इसका टेस्ट जो है यानी कि इसको कंफर्म कैसे करते हैं, तो इसके लिए डायग्नोज जो है यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वह है वाई विडाल। विडाल टेस्ट से इसको कंफर्म करते हैं। विडाल टेस्ट क्या करेगा, इसको कंफर्म करेगा कि हाँ यह डिजीज किसी पर्सन को है कि नहीं है। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या है इसके, तो सिम्टम्स जो है वो हाई फीवर विथ लो पल्स रेट एंड एब्डोमिनल पेन। एंड एब्डोमिनल हाई फीवर विथ लो पल्स रेट और एब्डोमिनल पेन। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोमाइसेटिन जो है वह एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोमाइसेटिन, तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमाइसेटिन जो है वह एंटीबायोटिक इसमें यूज किया जाता है। किसके लिए, तो वह टाइफाइड के लिए। तो यहां तक की बात जो है वह टाइफाइड का हमारा कंप्लीट हुआ। अब टाइफाइड के बाद हमें नेक्स्ट जो है वह देखना है निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया जो है वह कैसा डिजीज है, तो यह भी एक बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। तो देखेंगे अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा निमोनिया के बारे में। ओके, चलिए आइए अब हेडिंग दीजिए निमोनिया। निमोनिया देखो एक सीवियर लंग्स डिजीज में आता है, सीरियस लंग डिजीज है। अगर इसके हम लोग निमोनिया के पैथोजेन की बात करेंगे तो निमोनिया का जो पैथोजेन है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, यह एक हुआ। देखो वो माइकोप्लाज्मा का में भी हम लोग ने एक देखा था माइकोप्लाज्मा निमोनिया, वो इसी के जैसा है, लेकिन ये दो अलग अलग डिजीज हैं, दोनों एक डिजीज नहीं है। तो थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए हेमोफिलस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी यह एक पैथोजेन हुआ। दूसरा पैथोजेन है स्ट्रेप्टो कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये दो अलग अलग पैथोजेन हो गए। दो अलग अलग पैथोजेन की बात में देखिए, तो यानी ये पैथोजेन का हुआ। उसके बाद में देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी इसका इंक्यूबेशन टाइमिंग कितना है। जैसे सभी में हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड देख रहे हैं, तो हेमोफिलस का भी 1-3 डेज जो है वह होता है, 1-3 डेज, बहुत जल्दी ये दिखाता है अपना। ठीक है, तो 1-3 डेज, जैसे यहां पर भी इंक्यूबेशन पीरियड, सॉरी यहां पर डेज हुआ है, ये 1-3 वीक होता है और ये 1-3 डेज होता है। ठीक है ना, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1-3 डेज। उसके बाद इसमें ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा,
है स्प्रेड थ्रू स्पूटम ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट का जो स्पूटम होगा उसके थ्रू जो यह है स्प्रेड करता है। देखो निमोनिया इज ए सीरियस लंग्स डिजीज, यह एक सीरियस लंग डिजीज है, ठीक है। और बच्चों में अगर होता है तो बच्चे में बहुत ज्यादा डेथ काउज करता है, यानी बच्चे बहुत जल्दी डेथ काउज करते हैं। कभी कभी देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के कुछ समय या कुछ दिन के बाद में उसका निमोनिया के वजह से बच्चे का डेथ हो गया और बच्चे का कलर नीला पड़ गया है, बच्चे का फेस, बच्चे का स्किन ब्लूइश कलर में दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लूइश कलर। ऐसा क्यों, उस पर भी हम लोग आते हैं। तो ट्रांसमिशन हो गया, उसके बाद इसका देखिए सिम्टम्स क्या है। देखो लिम्फ और साथ ही साथ स्पूटम, ये दोनों जो है वह ब्रोंकियोस तो आप जानते हैं, लंग्स में आपको मैंने बताया था कि ये ब्रोंकियोस क्या होता है। तो ये जो है वह ब्रोंकियोस में जाकर के कलेक्ट होने लगते हैं, यानी एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अब अगर लंग्स है और वहां पर अगर पहले से कुछ एक्यूमुलेट होने लगा तो एयर का स्पेस क्या होगा वहां पर, कम हो जाएगा। तो यानी यहां पर लिम्फ एंड म्यूकस कलेक्ट इन एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। देखिए कहने का मतलब इस तरह से आप जानते हैं ये हमारा एक लंग्स हुआ, और ये हमारा दूसरा लंग्स हुआ। अगर इस लंग्स में पहले से हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या होता है, इस लंग्स के बाहर में हमारा टिश्यू है और आप जानते हो कि हमारा टिश्यू यानी कि यहां पर जो है वह ब्लड है, ब्लड कैपिलरी है, और यहां पर एयर भरा हुआ है, ठीक है, O2 ज्यादा है, मोर O2, ओके। अब आप जान रहे हो कि ब्लड में और इस लंग्स में डिफ्यूजन होता है, ये क्या दे देगा, इधर से क्या जाएगा CO2 और इसमें क्या आएगा तो O2। लेकिन अगर यहां पर म्यूकस एक गाढ़ा चिपचिपा सब्सटेंस इस तरह से इसमें म्यूकस भरने लगा, तो जैसे जैसे म्यूकस इसमें भरते चला जाएगा वैसे वैसे एयर के लिए स्पेस क्या होगा, कम पड़ जाएगा। जब एयर इसमें कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगा, ब्लड में और लंग्स के बीच में डिफ्यूजन कम होगा तो सफिशियंट ब्लड की सप्लाई बॉडी को नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो ब्लड बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ज्यादा रहेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा, स्लाइटली ब्लूइश कलर का होता है। तो बच्चे का बॉडी का वेट, बॉडी का साइज काफी छोटा है तो उसमें आसानी से वो दिखने लगता है लाइटली, यानी कि थोड़ा सा ब्लूइश कलर का बच्चा जो है निमोनिया से मरने वाला बच्चा ब्लूइश कलर का दिखाई देने लगेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा मैक्सिमम जो है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से जो पैचेज है वो भरते, यानी कि एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स में इस तरह से म्यूकस और लिम्फ नोड जो है, ये लिम्फ जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा। इनसफिशियंट
ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी। That may cause fatal effect, जिसके वजह से मरने के भी चांसेस होते हैं, मरते ही हैं, ठीक है ना। तो that may cause fatal effect, तो ये fatal effect cause करेगा। उसके बाद में देखिए अब इसका treatment, तो treatment क्या होगा, सबसे पहले तो जान जाओ इसका वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन। किसका? निमोनिया का। तो निमोनिया का जब वैक्सीन नहीं है तो यानी कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह से हम लोग इसको ठीक करते हैं, जैसे पेनिसिलिन हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, एम्पिसिलिन हुआ, तो ये सब जो है वह हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या? एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब जो है वो एंटीबायोटिक्स आसानी से हम लोग इसको क्योर करते हैं, क्योर होते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, यानी छोटे बच्चे के, खास करके जो नियोनेटल बेबी हैं, उनको हमें इससे बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो ये जो है उसके लिए ज्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ता है। ओके, तो निमोनिया हो गया। निमोनिया के बाद में देखिए नेक्स्ट है कॉलरा। कॉलरा, कॉलरा का जो पैथोजेन है वह है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी इसका पैथोजेन है। कॉलरा को डिस्कवर जो है वह रॉबर्ट कोच ने किया था। कॉलरा वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कितने समय में यह डिजीज को दिखाता है, तो जैसे बाकी सबका इंक्यूबेशन पीरियड है उसी तरह इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 days का होता है। ओके, 2 to 3 days। कॉलरा वगैरह महामारी के रूप में भी जाना जाता है कॉलरा, ठीक है ना। क्यों? देखिए यहां पर टाइम क्या है, 2 से 3 दिन के अंदर तुरंत फैल जाता है, उसके बाद में ट्रांसमिशन फीकल एंड ओरल रूट, फीकल एंड ओरल रूट सिम्टम्स। इसका सिम्टम्स है कि फ्रीक्वेंटली जो स्टूल होगा राइस वाटर के जैसा व्हाइट स्टूल फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज होगा, तो फ्रीक्वेंटली पासेस राइस वाटर लाइक वाइट स्टूल। तो बहुत ज्यादा जो है यानी फ्रीक्वेंटली स्टूल जब डिस्चार्ज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेड वोमिटिंग,
तो देखो पानी शरीर से ज्यादा निकल रहा है और पानी के साथ साथ पानी कभी भी बॉडी से अकेले नहीं निकलेगा। पानी यानी कहने का स्टूल जब लूज मोशन होगा, स्टूल ज्यादा निकलेगा तो उसमें पानी ज्यादा आएंगे, तो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी निकलेगा। रिपीटेड वोमिटिंग होगा तो वहां पर भी मिनरल्स का डिस्चार्ज होगा, तो ये सब डिस्चार्ज होने की वजह से डिहाइड्रेशन होने का चांस बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो अब अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट देखिए, तो ट्रीटमेंट तो जब ट्रीटमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट है सबसे पहले जो डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट होता है वो हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे सलाइन वाटर चढ़ेगा, एंटीबायोटिक्स तो चलेगा ही, उसके साथ साथ सलाइन वाटर चलाना पड़ेगा। अगर घर में है तो एज ए प्रिवेंशन के तौर पे, यानी उसको हम लोग ओआरएस भी दे सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं ना कि जैसे ओआरएस नॉट ओनली फॉर चाइल्ड, ऐसा जरूरी नहीं है कि ओआरएस सिर्फ बच्चों को ही दे सकते हैं। ओआरएस ये ओरल सॉल्यूशन हुआ, यानी कि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यह एक ओरल सॉल्यूशन है जिसे पिला करके हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं। तो यानी ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या थेरेपी, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, साथ ही साथ उसको क्या दे देंगे हम लोग, यानी घर में है तो ओआरएस भी बना करके या ओआरएस का जो पैकेट आता है हम लोग वो दे सकते हैं उसको। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोराफेनिकॉल, ये सब जो है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने कॉलरा में चलाया था टेट्रासाइक्लिन, या ये निमोनिया में चलाया था, ठीक है। तो उस तरह यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, क्लोराफेनिकॉल, ये सब जो है वो एंटीबायोटिक्स हम लोग इसमें ट्रीटमेंट के रूप में यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आइए हमारा है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आम भाषा में हम लोग टीबी बोलते हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस। देखो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कोई एक अकेला डिजीज नहीं है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक कोई अकेला डिजीज यानी किसी एक जगह होने वाला नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे जगह पे हो सकता है, फीमेल के ओवेरी में भी हो सकता है और हमारे लंग्स में हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए चेस्ट पेन बहुत कॉमन देखा जाता है, खांसी देखा जाता है, बट जनरली जो है हम लोग ये अपना ये चेस्ट पेन वाला जो जिस तरह का जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको हम लोग देखेंगे यार, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में, पहले ट्यूबरक्लोसिस से बहुत लोग मरते थे और नाउ अडेज ट्यूबरक्लोसिस इज द कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज हो गया। पहले बहुत बड़ा भयावह बीमारी में से एक था, जैसे आज हम लोग कैंसर को देख रहे हैं उस टाइम के लिए ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत बड़ा बीमारी था, लेकिन आज कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज में से एक है ट्यूबरक्लोसिस। और ये भी हाईली स्प्रेडेबल है, इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आसपास हम लोग हैं तो उससे दूसरे को भी होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस को ही हम लोग कोच डिजीज भी कहते हैं क्योंकि इसको कोच साहब ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका जो पैथोजेन है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। तो अब आइए देखें हम लोग इसका पैथोजेन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम लोग इसका
ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके ट्रांसमिट होने का सबसे कॉमन चीज है इन्हेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट डिस्चार्ज बाय ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। तो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट जो माउथ से या नोज से किसी तरह का जो डिस्चार्ज किया और वो चीज आप लोग इनहेल कर लिए तो उसके थ्रू हो सकता है। साथ ही साथ ये वाटर यानी कि जो पेशेंट वाटर पिया उसी वाटर को हम लोग ले ले उसके थ्रू भी हो सकता है। फूड के शेयरिंग ऑफ फूड से भी हो सकता है। तो ये सब तरीके से ये क्या है, ट्यूबरक्लोसिस जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, यानी इंक्यूबेशन वो जो है वह 3 to 36 वीक का होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वह डैमेज करता है हमारे लंग्स के बोन को, ये मतलब लंग्स के बोन नहीं मतलब लंग्स के पार्ट को, हमारे लिम्फ नोड को, या फिर साथ ही साथ हमारे कुछ ज्वाइंट बोन है उनको यह क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। साथ ही साथ तो ये देखिए इसका सिम्टम्स, ट्यूबरक्लोसिस डैमेज आवर लंग्स नोड एंड ज्वाइंट बोन। तो इसका जो मेन जो है वो क्या क्या है, इसका फीवर कॉमन है, चेस्ट पेन, कफ विथ स्पूटम, यानी जब खांसी होगी तो खखार आएगा और उस खखार में क्या हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, विथ ब्लड, तो ब्लड रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, तो ब्लड भी एक चांसेस है होने का, यानी स्पूटम में ब्लड आया तो भी प्रॉब्लम है। तो फीवर, चेस्ट पेन, कफ, साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, स्वेटिंग इन, स्वेटिंग ड्यूरिंग नाइट, तो इसके बहुत सारे आसानी से सिम्टम जो है वह देखने के बहुत सारे हैं। और मॉन्टेक्स टेस्ट के थ्रू कंफर्म्ड बाय मॉन्टेक्स टेस्ट। अब इसका सिम्टम्स के बाद में तो इसका ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या चलाते हैं, बीसीजी का वैक्सीन, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिंग, तीन साइंटिस्ट के नाम से इन्होंने निकाला था। तो बीसीजी का वैक्सीन पूरा नाम था बैसिलस मेटी
ड्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ड्यूरिन, ये उन्हीं के नाम पे जो है ये बीसीजी का वैक्सीन, हम लोग इसमें बीसीजी का वैक्सीन जो है इसके लिए छोटे बच्चे को जो नियोनेटल बेबी होता है तो उसमें सबसे पहले जो वैक्सीन दिया जाता है वो बीसीजी का ही वैक्सीन दिया जाता है। यानी बच्चा जब जन्म लिया है और जन्म लेने के लगभग एक वीक के अंदर में ये बीसीजी का वैक्सीन पहला दिया जाता है। और बीसीजी का वैक्सीन जब बच्चे को पड़ता है तो एक छोटा सा उसमें फोला, दैट मींस कि जख्म होता है जो अपने आप होगा और फिर अपने आप ठीक भी हो जाएगा। तो बच्चे को ये बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है सबसे पहले। उसके साथ साथ कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स की मदद से भी इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें चलाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनियाजिड, ये दो अलग अलग स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजिड, ये जो अलग अलग जो है वो एंटीबायोटिक्स से हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड इतने सारे इम्पोर्टेंट जो है वो डिजीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में साथ साथ कुछ और भी बैक्टीरियल इम्पोर्टेंट डिजीज हैं, जैसे सिफिलिस हो गया या फिर बॉटुलिज्म हो गया, लेप्रोसी हो गया, तो वो सब भी डिजीज को हम लोग अभी थोड़ा सा आपको एक चार्ट बना करके उसका शॉर्ट में हम आपको देंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज अभी इम्पोर्टेंट जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या ये सब जो है जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, तो ये आपको एक जगह हमने पहले ये कंप्लीट कराया। अभी बैक्टीरियल डिजीज में कुछ और भी आपको नेक्स्ट क्लास में हम देंगे। ओके, थैंक यू।